बशीर बद की लाइनें हैं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक गरीब, एक लाचार, एक बेबस मजबूर, जिसकी जबान बेटियां हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कुछ अधिकारी और कर्मचारी उसके पीछे ऐसे पड़े हैं कि उस गरीब की कच्ची झोपड़ी पर प्रशासन ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि चार चार बार अतिक्रमण की कार्रवाई कर दी। उसका परिवार, उसके भाई और नातेदार इस सर्दी के मौसम में घर का सामान लेकर खुले आसमान की छत के नीचे बैठने को मजबूर है। मॉम ऑफ ऑल सेल आपके लिए लाए हैं अप टू 70% तक डिस्काउंट क्लोथ्स एंड शूज पर। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट क्राई शोरूम HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली के वार्ड नंबर 4 से जुड़ी है। हल्का नंबर 20 के खसरा नंबर 258 में अतिक्रमण की जद में 53 लोग आते हैं, लेकिन प्रशासन और नगर पालिका के कुछ अधिकारी इन तीन गरीब परिवारों के पीछे पड़े हैं। इतना ही नहीं, 2007 से लगातार इन पर 4 बार अतिक्रमण की कार्रवाई हो चुकी है। असल में वार्ड नंबर 4 के रहने वाले राम सिंह लोधी और उनके दो भाइयों पर प्रशासन ज्यादतियां कर रहा है। यह मामला ये है कि 1990 से मेरा कब्जा वैध चला आ रहा है, जिसमें 2007 से शासन प्रशासन द्वारा मानसिक प्रताड़ना एवं परेशान किया जा रहा है बार बार, जिसमें आज चौथी बार अतिक्रमण हटाया गया है जो 27/10/2022, जिसमें मुख्य भूमिका रही है नगर पालिका CMO एवं महेश ठाकुर एवं माननीय जितेंद्र पटेल साहब अनुविभागीय अधिकारी, ऊपर भी अगर अपने कार्रवाई की तो उनको भी गुमराह कर रहे हैं माननीय SDM महोदय। तो जो अंदर स्पॉट अगर इसकी अच्छी जांच की जाए, जो उच्च अधिकारी आए ऊपर से जो वास्तविक स्थिति की स्पॉट निरीक्षण करें, तो संपूर्ण अधिकारी दोषी पाए जाएंगे और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, जो गरीब जिस जगह बरसों से रह रहा है वो जगह उस गरीब की हो गई। इतना ही नहीं, इन्होंने नगर पालिका के आदेश के खिलाफ कलेक्टर के कोर्ट में केस दायर किया था, जो केस अभी चल रहा है, लेकिन इनको बार बार नोटिस दिए जाते हैं, इनका और सिर्फ इनका ही अतिक्रमण किया जाता है। कुछ बेसुरे लोग हैं, साथ ही यहाँ की नगर पालिका की इन परिवारों पर टेढ़ी निगाह है। लिहाजा यहाँ तीन परिवार जो 15 सदस्य हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, वो खुली आसमान की छत के नीचे रह रहे हैं। इन लोगों के घास फूस की झोपड़ी को प्रशासन ने नेशनाबूद कर दिया। मंत्री गोपाल भार्गव जी का यह क्षेत्र है। यह लोग मंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि प्रशासन सरकार को गुमराह कर रहा है, आप इन गरीबों की आवाज जरूर सुनोगे। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, जो रहली विधानसभा के विधायक एवं कैबिनेट वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे अनुरोध है कि आखिर ये पट्टा दे रहे और शासन प्रशासन को गुमराह क्यों कर रहे अधिकारी, भूमाफियों के दबाव में है कि इन्हें पैसा लिया है, और के आज जो आज हमें मरने की नौबत आ रही है, तो क्या हम कुआ में डूब के मर जाएं या नदिया में डूब के मर जाएं? ये बात मंत्री भार्गव जी तक पहुंचना चाहिए एवं प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। रोड पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम टपरा बना कर रह रहे थे, तो SDM के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा हम लोगों का टपरा मिटा दिया है। अब हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोड पर बैठे हैं, कल के दिन दुर्घटना हो जाएगी। लगभग कितने आपके परिवार में कितने लोग हैं जो रोड पर अभी हैं? हमारे परिवार में 14-15 लोग हैं। हमारे परिवार में 15 बच्चे हैं हमारे परिवार में और 6 सदस्य। 15 ही लोग रोड पर बैठे और 15 ही लोग रोड पर बैठते हैं। रात भर हम लोग आग ताप के और यहाँ पे जग जग के रातें गुजारते हैं, और हम अपने बच्चों को लेकर, इन बच्चियों को लेकर बैठे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी अपील है, जब इन तीन परिवारों का इस जगह पर कब्जा है, कई बार जुर्माना हो गया, कई बार अतिक्रमण हो गया, या यहाँ 32 सालों से काबिज हैं, तो महोदय आप इन्हें जगह दे दें। इतनी सी जगह अगर दे दोगे तो मध्य प्रदेश की जायदाद कम नहीं हो जाएगी, नहीं तो हम कहेंगे कि गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं होती हैं। साथ ही भार्गव जी से भी अपील है कि इन गरीबों की सुने और प्रशासन को एक तरफ कर दें। यह आपकी जनता है, यह आपके ही लोग हैं, आप ही इनके साथ न्याय कर सकते हैं।
नगर पालिका के अधिकारी और एसडीएम से कहना है कि ऊपर वाले से डरो, रैली के साथ एक बेईमानी मत करो। 50 लोग क्या आपके रिश्तेदार हैं? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन 3 गरीबों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अधिकारी कर्मचारियों पर लगाम लगाना जरूरी है। यह सरकार को रिपोर्ट गलत देते हैं, साथ ही कुछ लोगों पर यह अपनी खुन्नस निकालते हैं। वो 3 परिवार इन्हीं कर्मचारियों की खुन्नस का शिकार हो रहे हैं। बहरहाल इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर कलेक्टर कोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर लोकल के अधिकारी इस मामले में क्यों नोटिस दे रहे हैं, क्यों अतिक्रमण कर रहे हैं? बहरहाल हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि यह जमीन, यह आसमान, यह धरा, यहाँ की प्रकृति हिंदुस्तान की जनता की है। सारे कानून, सारे नियम, सारा संविधान जनता के लिए बना है, तो जनता से बड़ी क्या जमीन हो गई? छोटा मोटा टुकड़ा है साहेब, किसी की बाप की बपोती नहीं। दे दो गरीबों को, क्या किसी का उजड़ जाएगा, क्या किसी का बिगड़ जाएगा? आसुद में सागर एक्सप्रेस न्यूज रहेगी।